दोबारा से आपका स्वागत है एक नए ब्लॉग में। इस ब्लॉग में हम आपको दिखाने वाले हैं जी कीर्तन कि पहाड़ में कीर्तन कैसे होते हैं, क्योंकि कीर्तन तो वैसे पहले भी हो गए थे, जब मेरी शादी हुई थी नवंबर में उस समय भी कीर्तन हुए थे, बट गांव में हम 6-7 महीने बाद आ रहे हैं तो इसलिए कीर्तन जो है कि अब मेरे घर पर हो रहे हैं। ठीक है, तो दिखाते हैं कि पहाड़ के कीर्तन कैसे होते हैं। तो भाई आज का जो मौसम है ना यार, बहुत खूबसूरत हो रखा था, सुबह से ही जो है ना हवा वगैरह चल रही है। तो अब चलते हैं जी घर की ओर और देखते हैं कौन कौन आया हुआ है। तो वैसे सारे लोग आ चुके हैं ऑलरेडी यहाँ पे कीर्तन करने के लिए, तो देखते हैं कौन कौन आया हुआ है। तो यहाँ पे मेरी चाची, बूढ़ी, दादी सारे लोग आ रखे हैं और कीर्तन की प्रिपरेशन भी स्टार्ट हो चुकी है। जय श्री गणेश, जय बजरंग, जय नीम करौली बाबा जी। तुम क्या चैनल अरे थोड़ा। तो यहाँ पे मेरी दादी, बूढ़ी, चाची सारे लोग आ चुके हैं और जो है कि कीर्तन भी स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पे मेरी दादी है, मेरी दादी, दादी सारे दादी हैं। जय बोलो भैरव बाबा की, जय बोलो दीवा मैया की, जय बोलो काली मैया की, जय जयकारा सेरा वाली दाबो साचे दरबार की, जय
साइड जो है कि कीर्तन हो रहा है और इस साइड यहाँ पे बहुत बड़ा काम हो रहा है कि हमारा जो एक घर था वो उजड़ चुका है और हमारे जो देवता थे ना वो दब चुके हैं, तो उनको यहाँ पे निकालने का काम किया जा रहा है। मंदिर की खोज हो रही है, अरे जाओ खोज की जा रही है यहाँ पे सारे लोग मिलकर। निरंकार कंडी मिल गई, जाओ जाओ जय श्री निरंकार देव, जय निरंकार, अरे बोले जय निरंकार, जय निरंकार। गांव में यार कुछ चीज़ भी करने का ना मजा इसीलिए डबल आता है क्योंकि यहाँ पे ना आसपास के जितने भी सारे लोग होते हैं ना वो बिना किसी स्वार्थ के मतलब आपकी खुशियों में शामिल होते हैं। ये चीज़ें आपको ना दिल्ली या फिर मतलब बाहर कहीं नहीं मिलने वाली है, ये आपको स्पेशली पहाड़ों में ही देखने को मिलती है कि यार कहीं से भी कोई भी लोग होते हैं ना आपकी खुशी में शामिल होते हैं और ये सबसे अच्छी बात है मेरे पहाड़ की। एक राउंड तो यहाँ पर हो चुका है, मतलब कि जो सबसे पहले जो भजन वगैरह होते हैं अब देखते हैं क्या हो रहा है।
जी हमारे निरंकार देवता जी का सारा जो सामान था ना वो मिल गया है, अब हम उनकी पूजा करेंगे। जब आप बाबा के जब गुरु वालू तो गुरु तब वो आसान जानू की बात भी हम सब कुछ करें सभी भक्त
पूजा तो हमारी हो गई है, कीर्तन हो गए हैं, अब यहाँ पे हो रही है गोद भराई। जय श्री कीर्तन हो गए हैं समाप्त और हमें आशीर्वाद मिल गया है। अब यहाँ पे जो है कि प्रसाद वितरण हो रहा है, सारे लोग जो है प्रसाद वितरण कर रहे हैं और अब शायद डांस भी कर रहे हैं। शाम का बहुत ही खूबसूरत टाइम है और जो है कि कीर्तन समाप्त हो गया है और कीर्तन के बाद जो है कि अब पहाड़ी गानों पे डांस होने वाला है, तो देखते हैं अब पहाड़ी गानों पे कौन कौन से डांस करने वाला है। तो आपको यहाँ की जो मतलब कि हमारे पहाड़ के कीर्तन होते हैं वो कैसे लगे ज़रूर कमेंट में बताना है, ठीक है। मुझे तो यार बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब कुछ भी चीज़ें जो हमारी पहाड़ की होती है ना, मुझे तो हर चीज़ ही अच्छी लगती है, ठीक है। बाकी आप देखो चारों तरफ का वेदर, तो ये हमारी छत पर इंडिया का झंडा, दादी बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हार, बाय, बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय। यूट्यूब चैनल पहुंच जाए तुम, मूड ट्रैवलर। चलो जी, ये है हमारी कीर्तन मंडली, ये चले गए हैं शाम के 6 बज रहे। कुछ लोग आए थे वहाँ से काशीकाल से और ये लोग आए थे मेलाधार से, जिसका कि रास्ता इधर इधर से जाता है,